से मोक तेरी अब लिख दई विश्व विधाता ने। श्राप दे दिया है, कहा पुत्री तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। ये दोष परीक्षित महाराज जी का नहीं, ये दोष तो कलयुग का था। परीक्षित महाराज के पास भेजने के लिए अपने शिष्यों को बुलाया, कहा संगी का श्राप झूठ नहीं हो सकता है, महाराज को जाकर के श्राप से अवगत करा दीजिए ताकि वो अपनी मृत्यु का सुधार कर सके, क्योंकि अकारण मृत्यु से जो मारे जाते हैं उन्हें सदगति की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें अधोगति मिलती है, जिन्हें प्रेत कहा जाता है, जो भूत बताए जाते हैं, लेकिन वो भूत नहीं जो घर में खेलते हैं, भगतई वाले भूत नहीं, क्योंकि बुजुर्गों शरीर हमारा पांच तत्व का है, हमारे पास में पांच तत्व हैं, और प्रेत के पास में केवल एक तत्व होता है वायु। अब पांच तत्व वाले के ऊपर एक तत्व वाला हावी कैसे हो जाएगा, हम बलवान हुए या भूत बलवान हुए, लेकिन कुछ लोगों की मानसिक स्थिति जब खराब हो जाती है तो वो ऐसी हरकत करते हैं लोग उसे भूत समझने लगते हैं। प्रेत कभी किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। आपने गोकर्ण और धुंधकारी की अभी कथा सुनी थी, धुंधकारी प्रेत योनि में पड़ा था, एक स्थान पर अपनी मर्जी से रुक भी नहीं पाता था, इसलिए उसे बांस के अंदर स्थान दिया गया था कि वो एक स्थान पर रुका रहे। कहीं कहीं लोगों के विचार ये रहते हैं कि आखिर सात गांठ का बांस पंडाल में लगाया जाता है, और भी लकड़ी तो लगाई जा सकती है, बांस ही क्यों, और बांस में ही स्थान क्यों दिया गया। तो बुजुर्गों देखा होगा बांस अंदर से खाली होता है, उसके अंदर धुंधकारी को स्थान दिया गया था ताकि एक स्थान पर रुका रहे। जो अपनी मर्जी से एक जगह रुक नहीं सकता है वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है। कहा कि शिष्यों से जाकर के महाराज को अवगत करा दीजिए, प्रभु की शरण में जाएं, अपनी मृत्यु का सुधार कर सकते हैं, अभी समय है, सात दिन का समय मिल गया था परीक्षित महाराज को। वैसे बुजुर्गों किसी की कोई गारंटी नहीं है श्याम जी, किसी की कोई गारंटी नहीं है कि हमारी उम्र कितनी है। अभी यहां बैठे हैं, कहो एक क्षण में पता नहीं क्या से क्या हो जाए, लेकिन हाँ एक व्यक्ति था जिसके पास में गारंटी थी कि मैं नहीं मरूंगा, वो थे परीक्षित महाराज। संगी का श्राप लगा था कि सात दिन बाद आपकी मृत्यु होगी, तो सात दिन तक परीक्षित महाराज की मृत्यु पक्की थी कि सात दिन तक हमें कोई मारने वाला है ही नहीं।
उन 7 दिन से पहले अगर परीक्षित महाराज जी मृत्यु के शिकार होते तो श्रृंगी ऋषि की वाणी असत्य हो जाती। संतों ने जाकर के परीक्षित महाराज से कहा है कि महाराज श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, 7वें रोज तक्षक नाग तुम्हें डसेगा, तुम्हारा प्राणांत तो हो जाएगा। कहने लगे हैं मेरे साथ में अच्छा किया है, क्योंकि समाज में जब कोई गलती करता है तो उसकी सजा राजा सुना देता है। आज के समय में प्रजातंत्र है, हमारे आपके ऊपर जब कोई अन्याय होता है तो हम अदालत जाते हैं न्याय की भीख मांगने के लिए, और न्यायालय में बैठा हुआ जज अगर किसी के ऊपर अन्याय करने लगे तो आप न्याय की भीख मांगने कहां जाएंगे। कहा संगी ने मेरे साथ में अच्छा किया है, मैं राजा हूं, मुझे सजा कोई ऐसे दे नहीं सकता था, संगी ने सजा दे करके मेरे साथ में अच्छा किया है। राज छोड़ करके जब महाराज चले हैं, संतों ने रास्ता रोक दिया है, कहा अगर आप इस तरह से चले गए तो खाली गद्दी हो जाएगी, और खाली गद्दी प्रजा के लिए अभिशाप सिद्ध हो सकती है, इसलिए अपने पुत्र जन्मेजय को भारत का ताज प्रदान कर दो। पुत्र को जब भारत का ताज दिया है तो मोह जागृत हो गया। परीक्षित महाराज जी की आंखों आंसू से भर आई हैं, पुत्र से कहने लगे हैं बेटा हमने गद्दी दई तुम्हारी भाई सकल रजधानी मत दियो प्रजे संता परे मैं कोई धर्म की बैठे हुए थे। सबके बाद में
जब व्यास नंदन सुखदेव जी का शुभागमन हुआ, सभी संत उठ करके खड़े हुए हैं, हाथ जोड़ करके सभी ने सुखदेव जी को जब प्रणाम किया, साथ में ही व्यास जी भी खड़े हो गए अपने पुत्र को हाथ जोड़ करके प्रमाण। परीक्षित महाराज शंका ग्रसित हो गए, सोचने लगे हैं कि हम गृहस्थों में पुत्र पिता को अभिवादन करता है, लेकिन संतों की तो महिमा ही उल्टी है जो पिता पुत्र का अभिवादन कर रहा है। शक्ति के पुत्र पाराशर जी खड़े हुए कहने लगे हैं, महाराज हम संतों का विधान उल्टा नहीं है, हम संतों में पूजन का अधिकारी वो होता है जो सबसे बड़ा विद्वान होता है, हमारे में छोटा बड़ा नहीं होता, हमारे यहाँ जो विद्वान है वही सबसे बड़ा है, आयु में वो छोटा हो या बड़ा। राजा स्वदेश पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा उसकी सीमा तक हो सकती है जहां तक उसका राज्य होगा, लेकिन विद्वान की पूजा कहीं चला जाए वही होनी है। बोले हैं पाराशर जी कि ये माना हम सब ऋषियों में सुख बड़ी छोटे होते बंधन से रहित होना चाहते हो तो इन्हीं सुखदेव जी की शरण में जाओ, यही तुम्हारी नैया को पतवार बनकर के किनारे से लगाए। परीक्षित महाराज भारत के सम्राट एक फकीर के चरणों में गिर गए, हाथ जोड़े कहा, ऋषिवर पहले आप हमारा प्रणाम स्वीकार करें, फिर उसके बाद में मेरे अंदर जो मृत्यु का भय बैठ गया है, जो हमें चित्त एकाग्र नहीं करने दे रहा है कि आज के सातवें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस भय से हमें मुक्त कर दीजिए। सुखदेव जी कहने लगे हैं कि हे राजन परीक्षित, जिस मृत्यु के तू भय में डूबा हुआ है, जिस तक्षक नाक का तुझे भय है, मैं तुझे वचन देता हूं कि सात दिन की तो बात छोड़ दो, सात युग में भी तक्षक तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तक्षक नाग तुम्हें कभी डस ही नहीं पाएगा। अब तो जितने संत बैठे हुए थे सभी शंकाग्रस्त हो गए,
कि संगी ने श्राप दिया है कि सात में रोज तक्षक नाग नसेगा, परीक्षित का प्राणांत होना है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि सात युग में भी तक्षक दस नहीं पाएगा। अब एक संत की वाणी इसका मतलब असत्य सिद्ध होने वाली है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, ये हमारा शरीर पंच तत्व निर्मित है, ये तक्षक नाग हमारे शरीर को तो नष्ट कर सकता है, बोले गोविंद भगवान की। कहने लगे हैं कि तक्षक नाग हमारे पंचभूत शरीर को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन जो शरीर के अंदर पुरुष बैठा हुआ है उसका कभी अंत नहीं होता है। शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। जिस प्रकार से हम और आप, कपड़ा पुराना हो जाए तो पुराने कपड़े को फेंक देते हैं, नया कपड़ा पुनः पहन लेते हैं, उसी प्रकार से ये शरीर है वो आत्मा का वस्त्र है। ये काया जब जर्जर हो जाती है तो आत्मा इस काया को छोड़ करके नवीन काया में प्रवेश कर जाती है। शरीर नष्ट होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती है। परीक्षित महाराज को संपूर्ण ज्ञान सुखदेव जी ने पहले ही दिन दे दिया था, लेकिन मन कहीं पुनः भ्रमित न हो जाए इसलिए परीक्षित महाराज सात दिन तक निरंतर उन्हें उपदेश सुखदेव जी देते रहे थे।